No. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू सर हमारे पेपर जैसे हो गया, पेपर आज टेंथ के हुए, अब कल आपको दे देंगे। कल देखो जो परमानेंट टिश्यू है वो दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स। नाउ परमानेंट, एक तो मेरिस्टमेटिक होगा और दूसरा क्या होगा? परमानेंट। तो परमानेंट में भी दो तरीके के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में दो तरीके के हैं जिनके बारे में आपको पता है, सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिव। और फिर सपोर्टिंग के तीन टाइप्स हैं, और जबकि इसके दो टाइप हैं, दैट इज एपिडर्मिस एंड बात की बहुत अच्छी बात है। कॉम्प्लेक्स में नीतू दो टाइप के बताओ, बहुत बता रही, दैट इज साइलम और फ्लोएम। तुम्हारे आने से इसकी पढ़ाई बहुत तेज हो गई, इसको इतना मोटिवेशन मिला, तुम्हारी तो होगी बट ये तेज हो गई। अब देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये तो अकेले बैठने से क्या होता है कि थोड़ा बोरिंग होता है, दो लोग जब साथ रहते हैं ना तो दोनों को एक दूसरे का वो मिलता है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? सो दे हैव ए कॉमन ओरिजिन, सो दे कोऑर्डिनेट व्हेन वेरियस टाइप्स ऑफ सेल कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब। बहुत तरीके की सेल्स, जैसे जाइलम में क्या होता है, ट्रैकीट्स है, पैरेन्काइमा है और फाइबर है, जाइलम वेसल है, ये सब मिल जाए और किसी एक ही काम को करें। व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ग्रुप टूगेदर एंड परफॉर्म ए सिंगल फंक्शन, और किसी एक काम को करें, देन सच काइंड ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंटेन्स मैनी टाइप्स ऑफ सेल, कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक ही तरीके की सेल नहीं होती है, इट कंसिस्ट ऑफ, उसमें कुछ डेड भी हो सकती है और कुछ लाइव हो सकती है। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स, मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, दे ग्रुप टूगेदर एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर फंक्शन। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का काम क्या है? देयर कॉमन फंक्शन इन प्लांट इज टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर, तो इनका यही काम है। ऑन दैट बेसिस दीज आर ऑफ टू टाइप्स, तो कुछ फूड पहुंचाएंगी, सो देयर कॉमन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज वैस्कुलर टिश्यूज। इन्हें क्या कहेंगे? वैस्कुलर का मतलब है संवहन वाहिकाएं, जो संवहन के कार्य में मदद करें। सो देयर फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट वॉटर एंड
वाटर एंड मिनरल तो करेंगे और साथ में फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। दीज आर साइलम एंड फ्लोएम ऑफ टू टाइप्स, साइलम एंड फ्लोएम। नाउ अब देखिए साइलम के बारे में, साइलम का मतलब होता है जो बना है जाइलोस से, उसका मतलब होता है वुड। वास्तव में जाइलम वुड में ही तो पाया जाएगा। तो इस तरीके से ये वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन के काम में। सो इट इज वेस्कुलर टिश्यू, इसीलिए वेस्कुलर टिश्यू जितनी भी है वेस्कुलर बंडल में होती है जो ट्रांसपोर्टेशन के काम में आती है। एंड वेस्कुलर टिश्यू और इट इज ए कंडक्टिंग टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू का मतलब है कंडक्टिंग टिश्यू, ये कंडक्ट करती है चीजों को, यहां से वहां पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। सो इसमें क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं? नाउ सो दीज ट्रांसपोर्ट्स, ये क्या काम करेंगे? ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स से कहां तक, लीव्स भी कर सकते हो, वैसे जो हरे पार्ट हैं वे सभी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। उन जगह खाना बन रहा है तो वहां पानी पहुंचना चाहिए, बिना पानी के तो खाना नहीं बनेगा। जो हरे हरे स्टेम है वो भी खाना बनाते हैं, हरी चीज जिसमें क्लोरोफिल है, क्योंकि चार चीजें चाहिए, क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2 एंड वाटर, तो ऑल ग्रीन पार्ट्स तक पानी पहुंचाएंगे। वैसे सेल को, हर सेल को पानी तो चाहिए ही, बट फिर भी ये ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू, अगर लीव्स लिख सकते हो और नहीं तो ब्रैकेट में लिख लो जो अच्छा समझते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो हरे पार्ट्स, दैट इज टू लीव्स। कंडक्टिंग टिश्यू, आई का मतलब है दैट इज, इसका तात्पर्य है कि वो कंडक्टिंग टिश्यू है, यहाँ से वहां पहुंचाती, क्या पहुंचाती है? इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव, दैट इज साइट ऑफ फोटो सिंथेसिस, तो वहां पहुंचाएगी, ठीक है। सो अब जरा देखिए, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसकी बनी हुई होगी? सो इट इज मेड अप, इट इज मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी मोर देन वन टाइप्स है, तो फोर टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन सी हैं? दैट इज सबसे पहले है जाइलम वेसल, जाइलम वेसल, फिर दूसरी चीज है ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा भी है, ट्रैकीड्स सी, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा क्या है? जाइलम फाइबर, ये चीज है। सो लेट अस सी, ये आपकी बुक में ऐसा डायग्राम बना हुआ होगा, तो पहला वाला जाइलम, तो उसको हम लोग देखें, कि चार चीजें हैं, जरा देखो कि सबसे पहले ये है, ये क्या चीज है? ये थ्रू एंड थ्रू है, इसमें कहीं कोई हर्डल नहीं है, पानी रूट से लेकर लीफ तक जाएगा, बिल्कुल सिंगल पाइप, जैसे घर में तुम्हारे पाइप होता है तो उसमें कहीं बीच में हर्डल होता है कुछ, तो ऐसे ही ये जाइलम वेसल है, और जाइलम वेसल में छोटे छोटे गड्ढे हैं, पिक्स हैं। पिक्स क्यों हैं बताओ? क्योंकि वाटर तो यहां से यहां जाएगा, वाटर एंड मिनरल, मिनरल समझ रहे हो? मिनरल का मतलब है जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कॉपर आयन, ये सब आयन, तो इन सबको मिनरल्स है, सही है, आयन्स को पहुंचाने का मतलब। तो ये पिट्स है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, क्योंकि उसे सिर्फ ऊपर ही पानी नहीं पहुंचाना, साइड वाइज पहुंचाना, तो इन चीजों को क्या कहते हैं? पिट्स।
इनसे ऐसा ही नहीं है, इनसे इसको फ्लोएम को भी पानी देना है। तो अब ये जरा देखो, ये तो तुमको जाइलम बताया है, अच्छा ये बताओ क्या ये फ्लोएम इस तरीके से होता है? फ्लोएम में ये चीज होती है, देखो फ्लोएम में सेम ट्यूब होती है, ऊपर और नीचे चलनी होती है, छोटे छोटे छेद नहीं होते जैसे। अच्छा इसमें शुगर होगी, शुगर का मतलब क्या? ग्लूकोज। अगर बाहर पानी हो तो क्या ये फूल जाएगा? इससे इसके अंदर पानी जाएगा और फिर प्रेशर पड़ेगा तो ये जब दबेगा तो ये ग्लूकोज का सोल्यूशन ऊपर और नीचे जाएगा। तो पानी की जरूरत है कि नहीं? ऑस्मोसिस आप जानते हो कि अगर किशमिश को पानी में रख दिया जाए तो क्या वो फूल जाएगी? तो इसमें शुगर है, तो बोलो इसको पानी कहाँ से मिलेगा? जाइलम से। कौन देगा बोलो? क्योंकि अगल बगल होते हैं, बीच में कैंबियम है, तो जाइलम से इसको पानी मिलेगा तो क्या है? फूल जाएगी। तो फूल जाने के बाद फिर क्या होगा? मान लो जैसे तुम बॉम्बे बीटी में जा रहे हो और तुमने दो की जगह तीन बड़ा पाव खा लिया है, तो तुम्हारे अगल बगल वाले तुमको इतना दबाएंगे कि एक बड़ा पाव तुम्हारे अंदर से निकल जाए, दो ही रह जाए, तीनों नहीं रहने देंगे। तुम वहाँ कुछ कर नहीं सकते ज्यादा, और तुम आँख बंद कर लो तो भी वो तुमको धक्का दे के बीटी स्टेशन से बाहर निकाल दे, वो तुमको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है एग्जिट कहाँ है, वो निकाल ही देंगे तुमको, बाहर आके पता चलेगा हम तो निकला है। ट्रेन से तो उतार ही देंगे, निकाल भी देंगे, तुम वहाँ ज्यादा चल फिर नहीं सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ से जब इसमें पानी भरेगा तो जब दबेगा तो क्या ऊपर नीचे चला जाएगा ग्लूकोज सोल्यूशन। तो इसलिए भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट चाहिए, तो ये ना सोचो कि वर्टिकल ही चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए किसके लिए बताओ? इसके बगल कौन होगा? फ्लोएम। फ्लोएम होता है कि नहीं? वास्कुलर बंडल ने तुम्हें बताया था कि बाहर में क्या होता है, यहाँ फ्लोएम होता है और फिर एक कैम्बियम होता है, फिर क्या होता है? जाइलम। तो इससे इसमें पानी जाना चाहिए कि नहीं? तो वही चीज यहाँ पर बताया ना। अब जरा देखो कि पहला बताया गया जाइलम वेशन और दूसरा है ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स का मतलब है इट इज टैपर्ड एट बोथ एंड्स, यानी स्पिंडल नुमा होता है, टकली नुमा। टकली जानते हो, जिसमें सूत काटे जाते हैं। स्पिंडल का मतलब होता है कि इस तरीके से ये होती है, और इसमें क्या होता है, यहाँ पर धागा लगा दो और फिर यहाँ पर धागे इकट्ठा होते जाते हैं, ये स्पिंडल, और ये घूमती रहती है। टकली से सूत काटा जाता है, वही चरखे से भी होता है, और सिंगल एक एक सूत काटते हैं तो भी बनाओ, घूमती रहेगी लट्टू की तरह, और उसमें रुई लगा दो, फंसा दो, रुई फंसाने का है यहाँ, और अपने आप धागा बन जाएगा। ठीक है, वो अभी हम दिखा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग तो बचपन में यूज करते थे। तो स्पिंडल में बोलो ऊपर भी नुकीला और नीचे भी नुकीला, तो क्या ये भी स्पिंडल जैसा नहीं है? तो इसलिए ट्रैकीड्स। दूसरा क्या है इसका क्या काम है? इसमें भी पिट्स होते हैं, ये एक्सेस वाटर रख लेता है, कहता है अभी इतना बाहर मत फेंको, क्या पता कल जो है मालिक पानी डालने आए कि ना आए, कल भरे रहो पानी, इसमें पानी रहता है और इमरजेंसी में इसको दे देगा, और इसमें ये स्टोर भी करता है और साथ में ये फ्लोइंग को भी देगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसमें पिट्स होते हैं, और क्या आपके में ट्रैकीड्स कटा हुआ बना है? चेक तो करो, तो ये भी पिट्स ही है। और तीसरी चीज देखो, ये क्या है? दिस इज पैरेन्काइमा। तो अब यहाँ पर ये देखो कि अभिषेक ये मुझे बता दो कि ये हुआ पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, और ये क्या है फिर? दैट इज जाइलम फाइबर। तो ये बताओ ये लाइव है कि ये लाइव है? कितना अच्छा होता है, वो बता दी पहले कि दोनों डेड हैं। नोएल का नहीं देख रहे हो तुम, जितनी देर बताओ पहले बता चुके दोनों डेड हैं, यही सिर्फ लाइव। हमने इन्हीं को फंसाने के क्या था, ये सही था, पढ़ लिख क्या भाई, पढ़ी लिख। तो आपने देखा क्या कि इनको ऐसा इसलिए कहा जाता है कि तुमको पानी पहुंचाना है, इट इज वेरी टीडियस जॉब। इतने मीटर ऊंचे पानी, घर में मोटर लगती है इतने इतने रुपए की, और वहां 100-100 मीटर ऊंचे वो पेड़ है, कैसे पानी पहुंच रहा है? तो इनसे कहा जाता है तुमको न्यूक्लियस व्यूक्लियस रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं बताओ वो कभी लाइव होगा?
तो इसमें भी न्यूक्लियस नहीं, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस है तो कहाँ है? तो पेरेंकाइमा में न्यूक्लियस बना, ये न्यूक्लियस है। इसका काम है इन तीनों डेड सेल का देखभाल करना। इसका ये और ये कौन है? तो इन्होंने, इनका काम है ये न्यूक्लियस मेंटेन करेंगे। न्यूक्लियस मेंटेन करेंगे तो इतनी मेहनत का काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली जब तुम किसी टहनी को तोड़ते हो तो जहां तुम्हारी टहनी नहीं टूटती है वो जाइलम ही है। तो वास्तव में वो सिर्फ एक वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, वो मैकेनिकल टिश्यू भी है। वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है। कैसा टिश्यू है? हमने लिखा तो दिया वेस्कुलर टिश्यू, साथ ही साथ आप ये भी लिख लो इट इज मैकेनिकल टिश्यू। वो उसको यांत्रिक सपोर्ट देता है, यांत्रिक संरक्षण देता है। एंड मैकेनिकल टिश्यू मतलब यंत्र जो नहीं होते, यांत्रिक सपोर्ट जो मशीन्स होती हैं, मैकेनिकल से मशीन बनाए, दे आर वेरी रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब ऐसे आसानी से छुई मुई नहीं है कि अरे हम मशीन लाए तो छुआ तो बिखर गई। These are sturdy and robust. Okay, नहीं? Yes. तो उसी तरीके से मैकेनिकल टिश्यू है, ये पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। That it is not easy to just tear it. उसको बीच से तोड़ देना, किसी भी ट्विग को तोड़ सकते हो, टहनी को नहीं तोड़ सकते हो। तो यहाँ क्या बताया गया, ये तीनों कैसे हैं? अभी आपने क्या बोला था, डेड बोला था कि नहीं? अपनी बात भूल जाती हो। और ये क्या है? लिविंग टिश्यू, एक ही बात है। तो ये न्यूक्लिएटेड है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, जबकि ये सब कैसे हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड है। तो इन सब के बारे में लिखें कि नाउ सो अगर इन सबको हम देखें कि जो जाइलम का सेक्शन है किसी वेस्कुलर बंडल में, जो जाइलम है उसको काटें। वेस्कुलर बंडल तो आपको मालूम ही है, तो वेस्कुलर बंडल में हमें सिर्फ जाइलम के हिस्से को काट के देखना चाहिए। ये देखो, ये वेस्कुलर बंडल है, हमने यहां से सेक्शन उठाया, क्या यहीं पे जाइलम होगा? और यहां पर एक जाइलम है, इसको मैंने काटा। वैसे तो सभी ये नीचे तक ही तो गिर जाएंगे कि नहीं? तो ये जब काटोगे उसी का ये जाइलम रहेगा। तो आपको क्या दिखेगा? ये दिखेगा कि यहां पर ये जाइलम, तो देखो बुक में कैसे बना हुआ है जाइलम। तो इसमें कुछ नहीं है, बस इस तरीके से ये है, ठीक है। और ऐसा एक दो नहीं है, ऐसे कितने होंगे? बहुत सारे होंगे, ऐसे यहां पर भी होंगे। ये देखो, ऐसे यहां पर भी होगा कि नहीं? और भी होंगे। तो इन सबसे क्या पानी ऊपर जा रहा है? बहुत सारे पाइप लगे हैं क्या पानी के लिए? और एक ऐसे यहां पर भी हो सकता है। तो ये सब तो क्या हो गए? जाइलम हो गए, ठीक है। अब ये देखो, तो इन सब में बस ऐसे ही बना हुआ है पानी चढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सपोर्ट है। जैसे वो नहीं होता है बांस, बांस के बीच में खोखला होता है कि नहीं होता है, पानी एक तरफ से दूसरी तरफ चढ़े, तो ऐसा ही यहाँ पर भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सपोर्ट है। बट वो सारे सेल मिल के एक हो गए, बोले कि पेड़ के हित में हम सब मिल जाते हैं और अपने न्यूक्लियस को खत्म कर देते हैं, चलो पानी चढ़ाने का काम करते। तो ये सब ऊपर चढ़ा पानी, और इनके बगल में ये क्या है बताओ? ये ट्रैकीट्स है। तो ये ट्रैकीट्स है, ये करेगा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इसमें पिट्स भी होंगे क्या? Yes. अच्छा, अब इनके बगल में साथ में ये क्या है? ये पेरेंकाइमा, इसमें न्यूक्लियस है क्या? दिस इज न्यूक्लियस। तो वो इनकी केयर करता है, इनमें जो वियर टियर होंगे उनको वो क्या करेगा? हील करता रहेगा। तो इस तरीके से पेरेंकाइमा हो गया, और साथ में कुछ इस तरीके से फाइबर होंगे। फाइबर जैसे नारियल में नहीं देखते हो कि कितने सारे फाइबर्स होते हैं, छीलो तो ऐसे, तो क्या उससे मजबूती आती है नारियल?
ऐसे तो फाइबर तो बहुत मजबूत होता है किसी भी चीज का, तो फाइबर क्या काम करना है बताओ इसमें, इसको मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है जिससे कि कहीं से भी ये बीच में ना टूटे, एक भी जगह रुक गया या वैक्यूम लीक कर गया तो पानी ऊपर जाएगा, पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। इसलिए पेड़ में जो चीज नहीं टूटती है तो वहां तो कहते हो अरे इसका जाइलम नहीं टूटा लग रहा, अब पानी जाएगा पेड़ जिंदा हो जाएगा। तुम लोग बोलते हो कि नहीं अपनी सहेलियों से जाइलम टूटा नहीं है इसका, अभी पत्तियां फिर से ठीक हो जाएंगी, नहीं तो मेन पानी है ट्यूब बीच से कट गई तो बोलो पानी पहुंच पाएगा ऊपर, वैक्यूम ही लीक कर गया। तो इसलिए इसको ये सब फाइबर और ये सब क्यों मिला, जिससे कि ये मैकेनिकल सपोर्ट हो, कहीं बीच से लीकेज ना हो, नहीं तो तुम्हारी ट्यूब बीच से कट गई तो सारा सिस्टम तुम्हारा बेकार। तो इसलिए ये पूरा यही बनाया हुआ है, अब देख लो। तो यहाँ देखो ऐसा ही आपके बुक में बना है डायग्राम, नहीं ब्रैकेट्स बना है तो इसमें फिट्स हैं। ओके ये है बुक में है आपके, देखो नई बुक नहीं क्या, इसमें अलग ही अलग है ना एक साथ इस तरीके का डायग्राम देखो ये डायग्राम और ये डायग्राम ये तीन आपके में ये देख लो अच्छा इनके में है तो किसी किसी की बुक में है ये जाएगा मैं ये चीज बनाई, मतलब ये सब एक साथ रंग है आप ये तो फ्लोएम है ये सब एक साथ क्या वो वही है हमने बताया ना उसमें बीच में जैसे बांस में नहीं होता छीले छीले वो सब एक ट्यूब एक हो गया, पहले वो अलग अलग सेल थे उनके निशान बच गए वो सब एक मिल गए तो ट्यूब तो मिल गई ना एक साथ है ना ठीक है। चलो नाउ अब देखो सो इन सब के काम क्या है देखिए एक्सेप्ट जाइलम पैरेंटाइमा विच इज लाइव वो तो लाइव है अदर थ्री आर डेड ओके नाउ जाइलम वेसल का क्या काम है सो There are four types of cells. So vessels are tube-like structure. ठीक है? In which cells are attached end to end. वो एक दूसरे में मर्ज हो गई हैं. और and their work is to sentence complete करो मैम. Xylem vessel का. Yes. So their work is to वर्टिकल ट्रांसपोर्ट वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वर्क ठीक है तो इस तरीके से साइलम वेसल आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक नॉन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर एंड इनका वर्क क्या है एंड ट्रांसपोर्ट वाटर यूनिडायरेक्शनली ये पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाती है अगेंस्ट ग्रेविटी यूनिडायरेक्शनली भी है नीचे पहुंचाती है ऊपर सो यूनिडायरेक्शनली और बोलो खाना कैसे पहुंचता है ग्रेविटी की ओर की ऊपर की ओर ये सही बताएं बोली दोनों तब कितनी बड़ी बात बोली कोई चीज अगर दब गई तो बड़ा पाव ऊपर से ही नहीं निकलेगा नीचे से भी निकल सकता बहुत इनको ज्ञान अच्छा है कह रहे हैं कि उसमें वहां पर ये नहीं है कि अगर जैसे उसमें किशमिश में पानी भर गया दबाओ अंगूर तो वो ऊपर से भी फटेगा नीचे से भी फटेगा तो वही उन्होंने बताया वो बोथ डायरेक्शनली वो बाई डायरेक्शन है फ्लोएम और ये कैसा है यूनी डायरेक्शन समझ आया ये रूट से शूट
और वो जहां पर भी हरा पार्ट है वहां से दोनों तो खाना बनाए कहीं पर भी, तो पूरे घर में खाना जाएगा ना। फूल गया तो पूरे घर में नहीं जाएगा। ऊपर भी सीव प्लेट अभी दिखाया नहीं था, और नीचे भी सीव प्लेट है तो पूरी तरफ जाएगा। सो यूनिडायरेक्शनली है, ठीक है। और आगे क्या लिखा है दिशिता? यूनिडायरेक्शनली बोलो। हाँ आप बताइए। ये ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी, एक ही बात है। ठीक है, सो अगेंस्ट ग्रेविटी ये पहुंचाता है। दूसरी चीज क्या है? ट्रैकिट क्या करेगा? ट्रैकिट इज ऑल्सो स्पिंडल लाइक, जो कि दोनों तरफ से ये है, ठीक है, स्पिंडल है। सो ट्रैकिट इज टैपर्ड नुकीला एट बोथ द एंड्स। ट्रैपिट कैसा है? Is tapered, ये सेंटेंस याद कर लो, बहुत जगह आया इस वर्ड को, हमने हिंदी में लिख दे रहे हैं, बाकी आप याद कर लो, ठीक है। नुकीला एट बोथ एंड्स, या फिर इसे कहते हैं स्पिंडल शेप। तकली क्या काम है? हाँ स्पिंडल शेप ही लिखना चाहिए, तकली जैसा। Both ends, ठीक है। And ये क्या करेगा? It stores water and conduct horizontally. ये क्या करेगा? It stores water and conduct. It has lot of pits. इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? Stores water, conduct it horizontally. It is made of dead cells. अच्छा चंदन, साइलम फाइबर क्या करेगा? सही बात है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और जो स्पेस उनके बीच में बची हुई है उसे कम करेगा। हाँ, सो साइलम फाइबर, साइलम फाइबर उसको भी डेडी होना चाहिए, क्योंकि जो डेड है वही अच्छा सपोर्ट दे सकता है। देखते हो नारियल का जूट कितना अच्छा सपोर्ट देता है, डेड होने की वजह से दे पाता है, वो पूरा का पूरा लिग्निफाइड है, नहीं लिग्निन का भाग। सो साइलम फाइबर इज ये डेड सेल है, अब वो चाहे जिसका भी बना हो और उसका काम है, इस मेड ऑफ डेड सेल एंड gives mechanical support. Two, xylem tissue. और जबकि parenchyma क्या करेगा? Is cylindrical. Cylindrical तो है ही है, नाम ही parenchyma। क्या तुमने कभी parenchyma हमने दिखाया नहीं था पहले? सिलेंडर सिलेंडर नहीं दिखाते, उनके बीच में इंटरसेक्शन सब कुछ parenchyma ही है। parenchyma, 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 देख रहे हो नाम बदल गया जाइलम, अब वो जाइलम की तरफ आ गया, कभी भाजापा में चला जाएगा, कभी फ्लोएम में चला जाएगा तो फ्लोएम parenchyma कहलाएगा, कभी कांग्रेस में चला जाएगा तो कांग्रेस parenchyma, जिधर चला जाए अभी जाइलम के साथ। ये कैम्बियम में ये, लेकिन अगर फ्लोएम की तरफ है तो फ्लोएम पेरेन्काइमा कहलाएगा, जाइलम की तरफ चला जाए तो जाइलम पेरेन्काइमा कहलाएगा, जिधर चला जाए उनके साथ मिल कवर कर रहा है। अब जैसे बड़ा हो गया तो तुमसे बोले मम्मी चलो, तुम्हारी मम्मी मान लो पिताजी दूध बेचने चलो, दूध बेचने चलो, इनके पिताजी कहेंगे चलो फल बेचने चलो, दे फल बेचने निकल जाएंगे, तुम दूध बेच जो जो बेचता होगा नहीं, इस तरीके से। तो अभी तुम parenchyma हो लेकिन बाद में जो काम करोगी ये phloem parenchyma बन जाएंगी, तुम xylem parenchyma बन जाओगी। So this is, it is cylindrical, uninucleated. और कैसा है? And uninucleated. एक एक न्यूक्लियस से देखो और सही में uninucleated.
इट मेंटेन्स अदर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स, वो उन दोनों का मेंटेनेंस करेगा ऑफ सेल्स। तो पैरेन्काइमा का काम है इट ऑल्सो स्टोर्स फूड, इसमें खाना भी रहेगा, इट ऑल्सो स्टोर्स फूड रहेगा। भाई इतनी ये लोग मेहनत कर रहे हैं, कभी कभी इनको खाना ना देना पड़ेगा, जैसे खुद तुम लोग एग्जाम के टाइम तैयारी करते हो तो मम्मी हाथ से खाना खिलाती है, लो बेटा खा लो, तो देट इज स्टोर्स फूड, खाना है इसके पास। तो ये लोग इतनी मेहनत का काम कर रहे हैं तो पेरेंट टाइम में क्या फर्ज है, इनको बीच बीच में खिलाते पिलाते हो। सो नाउ अब जरा देखो वॉटर, देखो ट्रांसपीरेशन या वाटर लॉस अकर्स, वाटर लॉस अकर्स एट स्टोमेटा ऑफ लीव्स, इस चीज को आप क्या कहेंगे श्रेया अस्मिता, क्या कहेंगे वाटर लॉस जो हो रहा है ट्रांसपीरेशन, इसी को ट्रांसपीरेशन कहेंगे। ड्यू टू ट्रांसपीरेशन वैक्यूम इज क्रिएटेड, वैक्यूम को ट्रांसपीरेशन नहीं कहेंगे। द वॉटर लॉस विच इज अकरिंग एट स्टोमेटल पोर is called transpiration. Due to transpiration, vacuum is created. To fill that vacuum, water rises up and reaches to the site of photosynthesis. It is totally physical phenomena and does not require any ATP. जबकि phloem जब खाना पहुंचाता है तो उसमें ATP लगती है, वो chemical phenomena है, अभी difference लिखाएंगे, ठीक है? तो इसलिए क्या चीज बताएगी बताइए, एट स्टोमेटल साइट, कौन से साइट पे मैम, किसके आगे का सेंटेंस बोलो, एट स्टोमेटल साइट बोलो, अरे अभी तो बताया अभिषेक बोलो, लॉस ऑफ वही बोलो जो बोला कोई अपनी दोस्त, लॉस ऑफ वॉटर टेक्स प्लेस, आगे बोलो, This is called transpiration. आगे नोट बोलो, ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, हाँ रुक जाओ धीरे धीरे, ड्यू टू ट्रांसपीरेशन वैक्यूम इज क्रिएटेड इन जाइलम वेसल, वहां पे जाइलम वेसल में क्या होगा, क्रिएटेड इन साइलम वेसल, आगे बोलो, टू फिल दिस वैक्यूम, टू फिल दिस वैक्यूम, हाँ बोलिए सही है, टू फिल दिस वैक्यूम वॉटर राइजेस अप, ठीक है ऊपर यूनिडायरेक्शनली, आगे क्या बोलोगी, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिर क्या बोलोगे बोलो, दिस इज फिजिकल प्रोसेस एंड नीड्स नो एटीपी, इसको किसी तरीके की ऊर्जा की जरूरत नहीं, सो राइजेस अप यूनिडायरेक्शनल, इट इज एक ऐसा प्रोसेस है फिजिकल, ये भौतिक प्रक्रिया है एंड नीड्स नो एटीपी, इसको किसी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की जरूरत नहीं है, एनर्जी करेंसी की काम करेंगे, अपने आप ये काम होता रहेगा, धूप पड़ती रहे काम होता रहे, ठीक है अब देखो ये तो तुमने जालिम के बारे में देख, जाइलम के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे फ्लोएम के बारे में, सो फ्लोएम क्या है, फ्लोएम में भी कई चीजें होंगी, फ्लोएम मींस फ्लूस, देखो जो बार्क की तरफ, बार्क जो बार्क होती है तो बार्क की साइड में, ये बार्क लिखने का मतलब ये बार्क नहीं है, बार्क की ओर है तो इसलिए इसको फ्लोएम कह दिया, और जो अंदर की ओर हो, अंदर वुड अच्छा होता है ना, टिम्बर,
तो उसको क्या कहेंगे, तो वो वुड साइड था, तो उसे जाइलम का जो बाहर बाल की तरफ से ओके। नाउ फ्लोएम इज आल्सो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, देखो क्या लिखा है फ्लोएम के बारे में। सो नाउ फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, इसमें भी तो वेस्कुलर टिश्यू होगी, एंड ट्रांसपोर्ट पोर्ट फूड, फूड का मतलब है ग्लूकोज, कहां से, फ्रॉम साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस टू, बहुत अच्छा, फ्रॉम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां भी हरे पार्ट्स हैं, फोटो सिंथेसिस टू साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पर मतलब फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उस जगह से जहां खाना बन रहा है, नहीं वहाँ खाना बन गया, तो खाना बनने के बाद क्या खाना किचन में जाता है कि डाइनिंग रूम में, सब जगह जाएगा, सबको बांटा जाएगा, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। सो अब जरा देखो, जहां पर खाना बनेगा, सो देयर द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज मोर, क्या होगा, एंड ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर रन्स टुवर्ड्स ग्लूकोज। अब मान लीजिए कि अगर कोई भी चीज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दी जाए तो बाहर से पानी अंदर जाएगा, वो चीज फूल जाएगी, इट स्वेल्स अप एंड इट क्रिएट्स अ प्रेशर टू साइड वाइज वॉल, एंड इन टर्न साइड वाइज वॉल्स आल्सो प्रेस इट, एंड व्हेन इट इज प्रेस्ड देन दोस दैट ग्लूकोज सॉल्यूशन मूव्स इन बोथ द डायरेक्शन। भाई अगर उसमें पानी भर जाएगा तो वो साइड वाले को दबाएगी, तुम जितना दबाओगे ट्रेन में उतने ही तुम्हें लोग दबाएं, है ना, एक्शन रिएक्शन, नहीं क्या कह रही सर, वही है एक्शन एंड रिएक्शन, तो वही चीज है, वो जब दबाएगा तो दूसरा दबा देगा। सो अब देखो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को ये बताता दे देता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ, ये भी वेस्कुलर टिश्यू है, इट कंसिस्ट ऑफ, जैसा कि अभिषेक ने बताया कि अब इसमें स्लीव प्लेट भी शामिल कर लिया गया, यही है ना, हमने भी ये नेट में देखा था, तो पहले स्लीव ट्यूब ही तक था हमारी बुक में, तो चार ही लिखे हैं, लेकिन फिर नई बुक में पांच करके लिखे, स्लीव प्लेट भी लिख दिया, आपके यहाँ स्लीव ट्यूब तक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ स्लीव ट्यूब, सीव का मतलब चलनी, चलनी देखी है जिससे करवा चौथ में पति का चेहरा देखा जाता है, चलनी सीव ट्यूब होगी, सीव प्लेट होगी, ठीक है, और देन उसके बाद क्या होगा, वही हमने बताया पैरेन्काइमा उधर भी जा सकता है और इधर इसके साथ आ गया तो इसके साथ काम करना पड़ेगा, तो दैट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और फाइबर भी ऐसे ही होगा, फाइबर, फाइबर दोनों में स्लेरेन्काइमा है क्योंकि वो डेड है ना, डेड है तो स्लेरेन्काइमा हुआ क्या, नहीं, अब देखो ये सारी चीजें हैं। नाउ इनका शेप देखो, तो सबसे पहले ये इस तरीके से होंगे, अलग अलग ट्यूब्यूल्स होंगे, सेल मर्ज तो हुई हैं लेकिन उन्होंने अपने बीच की वॉल में सिर्फ छेद किए हैं और इन्होंने अपने अस्तित्व को पूरी तरीके से छोड़ा नहीं है, ये देखो यही चीज है, आपस में मर्ज हो गई है, मर्ज का मतलब एक दूसरे से जुड़ गई है लेकिन उनके सेल वॉल में सिर्फ होल हुए हैं, वो पूरी तरीके से नहीं जुड़ी है, सही है। अच्छा ये लाइव है, इनमें न्यूक्लियस होगा,
न्यूक्लियस दिखाया जरूर नहीं गया है, बट इसमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियस होगा। आप चाहे तो साइड की वॉल्स में आप न्यूक्लियस दिखा सकते हैं अपने इसके लिए। तो ये लाइव होंगे, सिर्फ इसमें कौन डेड होगा ये देखो न्यूक्लियस दिखा सकते, ठीक है। तो फाइबर ही इसमें डेड है, कहीं भी न्यूक्लियस दिखा दो, ये देखो। तो ये हो गया सीव ट्यूब, और ये क्या हो गया सीव प्लेट। पैरेन्काइमा वैसे ही बना दो, पैरेन्काइमा में कोई अंतर है? यही तो पहले भी बनाया था ना, शुरू से तो पैरेन्काइमा ही सीख रहे हैं। तो पैरेन्काइमा आप ऐसे सिलेंड्रिकल बना दो, उस किसी के साथ उसका शेप नहीं बदलता, ये पैरेन्काइमा है। इवन कंपेनियन सेल में भी कुछ खास फर्क नहीं है, बस इसके साथ है। अभी हम इसके काम को देखेंगे, तो काम के आधार पर चेंज होगा। और ये देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड अदर वन इस कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल भी लगभग इसी तरीके से है, ये बस थोड़ा डी टाइप है, पूरा सिलेंड्रिकल नहीं है ऐसे। सो ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। और इसके अलावा दिस इज कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल कभी कभी ऐसे भी बनाया गया है बुक में, इसको भी देख लो, ये सब कंपेनियन सेल है। तो एक साइड टेपर्ड है और दूसरी साइड फ्लैट है इस तरीके से, बाकी और आगे बताना। ये भी कंपेनियन सेल है, दोनों ही आपके बुक में बने। और तीसरा है, ये क्या हो सकता है, दैट इज फ्लोएम फाइबर। ओके नाउ अगर इनको एक साथ देखा जाए तो ये कैसे दिखेंगे, देखिए हमको मालूम है कि ये वैस्कुलर बंडल है, और वैस्कुलर बंडल में एक में ये बीच में कैम्बियम होता है क्या, और कैम्बियम का इधर का कौन सा हिस्सा, फ्लोएम का एक टुकड़ा उठा लो और वही यहां देखो। तो फ्लोएम का जो टुकड़ा उठाएंगे देन यू विल सी ये सारी की सारी चीजें इसमें नजर आएंगी। तो यहां पर ऐसा दिखेगा कि बीच बीच में, ये तो आपने टुकड़ा उठाया यहीं पर बीच में ही दिख जाएगा कि ऐसे काट दिया तो उसमें चलनी है, चलनी में बहुत सारे सीव प्लेट है। सो देयर आर वेरियस पोर्स विजिबल इन इट, ऐसे ऐसे बहुत सारी सेल जुड़ी, ऐसे यहां देख लो तो एक ये ऐसे, इसमें भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये देखो यहां पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जरूरी नहीं कि सब एक ही लाइन में हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो होगा, ऐसे और भी देख सकते हो। सो दीज आर द सीव प्लेट्स, और इनमें खाना कहां से आएगा, लीफ के पास बहुत सारा ग्लूकोज है, वहां से खाना नीचे नीचे चलेगा तो ऊपर प्रेशर पड़ेगा, फिर इसमें भरेगा, फिर इसमें फूलेगा, फिर इससे नीचे जाएगा, जैसे पिचकारी नहीं होती है दबा दबा के दबा दबा के, तो वैसे ही यहां पर होगा। अब ये देखो ऐसे एक दो ट्यूब नहीं होंगी, ऐसे बहुत सारी ट्यूब होंगी, और साथ में इस ट्यूब के अलावा जरा यहां देखो, ऐसे आपकी बुक में दिखाया है, क्या आप इसे पहचान सकते हो कि ये क्या है? तो ये कंपेनियन सेल होगी, कंपेनियन सेल
डबल सेल वॉल तो होगी, हमेशा डबल सेल वॉल ही होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। कंपेनियन सेल का देख के बताएंगे, ये नेट पे देखना पड़ेगा, बुक में नहीं है। अब ये देखो, ये यहाँ है, दैट इज पैरेन्काइमा, तो सिलिंड्रिकली होगी और इससे भी क्लियरली दिख रहा है तुमको। अगर ये फील नहीं हो रहा है कि इसको मैंने लाइव दिखाया तो तुम एक न्यूक्लियस दिखा दो, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमने डेड दिखा दिया? अब लग रहा है लाइव है, पहले तो लग रहा था, तो मैंने न्यूक्लियस बना दिया। और फिर यहाँ पर क्या बना दो? फाइबर। तो इस तरीके से ये सब फाइबर आप दिखा दें और कहीं पैरेन्काइमा दिखा दें। इट इज एट योर डिस्पिशन, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कहाँ पे क्या दिखाओ, तुम्हें कोई भी मना करने नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे दिखा दिया, ठीक है। सो दिस इज, और इसी में लिख दीजिए सब कुछ है ना। सो सीव ट्यूब क्या करेंगी, ये बहुत पतली होती हैं, दीज आर वेरी स्लेंडर, और साथ में इनकी वॉल बताओ बड़ी मोटी मोटी होगी, जाइलम की तरह की पतली। कितना अच्छा ये जानते हैं, क्योंकि उसे फूलना भी चखना है, बोलने पतली होगी। अब मोटी होती तो फूल पाती, तो उससे उसको क्या होना चाहिए, थिक सेल वॉल होनी चाहिए कि पतली पतली? थिन। सो ये सिलेंडर होंगी, पतली सी, और साथ ही साथ कैसी होंगी, थिन सेल वॉल। समझ में आ गई बात? चलो इस बात को लिखे। सो सीव ट्यूब्स आर स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब है पतली। अगर ये देखो, तुम इन दोनों में कोई पूछे तुमसे कि बताओ जाइलम कौन है और फ्लोएम कौन है, क्या तुम पहचान लोगे? ये देखो, ये हो गई फ्लोएम, और ये क्या हो गई? जाइलम हो गई। तो अब आगे देखो, सीव ट्यूब्स आर स्लेंडर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें क्या होगा, दीज आर प्लेस्ड एंड टू एंड, दीज आर प्लेस्ड एंड टू एंड रहेंगी कि नहीं, यहां दिखाया गया है। अब आगे देखो, सो एंड दीज आर परफोरेटेड, और इसमें छेद बने रहेंगे, एंड दीज आर परफोरेटेड, यानी छिद्रिल। छिद्रिल का मतलब छेद बने हुए कि नहीं, ये परफोरेशन। अब आगे की बात देखो, इनका काम क्या है? सो सीव ट्यूब, द न्यूक्लियस ऑफ ई सेल डीजेनरेट्स एट मैच्योरिटी, हाउएवर परसिस्टेंस परसिस्ट रहता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनमें पोर्स रहेंगे, न्यूक्लियस आगे चल के डीजेनरेट हो जाता है, बट ये फिर भी लाइव है, सो एब्सेंट। आगे की बात देखो, दे ट्रांसपोर्ट ये ग्लूकोज सॉल्यूशन इन बोथ द डायरेक्शन, इनका काम क्या है? दीज ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज सॉल्यूशन इन बोथ द डायरेक्शन, बोथ द डायरेक्शन, दीज आर लाइव। शुरू में इनमें न्यूक्लियस रहेगा, बाद में न्यूक्लियस चला जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, बट साइटोप्लाज्म फिर भी रहेगा। तो दीज आर लाइफ, इनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस खाना पहुंचाना। अच्छा, कंपेनियन सेल देख लो, सो कंपेनियन सेल थिन वॉल्ड होगी, और बाकी ज्यादा हमें समझना नहीं है। सो कंपेनियन सेल है और पैरेन्काइमा है, तो ये सब कैसी होंगी, आर आल्सो
लिखो पैरेन्काइमा क्या काम करेंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये हॉरिजेंटल या लेटरल मोमेंट ऑफ फूड का ध्यान रखती है, ये वर्टिकल का ध्यान रखेगी। अब बोलो हॉरिजेंटली या लेटरली फूड कौन पहुंचाएगा, पैरेन्काइमा। सो इट ट्रांसपोर्ट्स, और ज्यादा कोई पूछे और बताओ तो पैरेन्काइमा के सारे गुण लिख देना, ये सिलिंड्रिकल होती हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है तो क्या होता है, थिन सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की, जो बोले सब लिखते चले जाओ, बोलो और कितना चाहिए, हम लिख डालते हैं। तो इट ट्रांसपोर्ट्स, क्योंकि पैरेन्काइमा आ गया ना, और सबसे इट ट्रांसपोर्ट फूड इन लेटरल, लेटरल का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए फ्लोएम फाइबर क्या करेगा, तो ये ध्यान रखो कि जाइलम होगी मोटी, केवल ये कैसी होगी, पतली सेल। तो चंदन ने अमन से पूछा, भाई तुम इतने दिन हो गए, तुमको तुमने कोई लड़की उड़की पटाई कि नहीं पटाई, ऐसा मतलब हाँ, तो फिर उन्होंने कहा हाँ हमने ट्राई किया है, और वो एक जगह पहुंचे और उन्होंने एक शायरी बोली कि वस्व तेरी पतली कमर का, वस्व का मतलब है कि तुम्हारे पतली कमर के बारे में क्या कहें, कलमे मुंह से, मुंह का मतलब समझते हो बाल की कलम बनाकर, कलमे मुंह से सुन लो, कलमे मुंह से चीते की कमर पे लिखा, चीते की कमर जानवर में सबसे पतली होती है। वो तो लड़की बहुत खुश हो गई, उसने कहा हमारी भी शायरी लेते जाओ, उसने कहा वस्व तेरी मोटी कमर का और कलमे लठ से भैंसे की कमर पे लिखा। ये बेचारे वापस आ गए, बोले कुछ बात नहीं, इससे अच्छा बस पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। तो जो ये मोटी कमर वाला है ये जाइलम है, और जो पतली कमर वाला है वो तो लड़कों का ना, यहाँ पे ये दोनों ही है। अब जरा देखो, सो वी हैव सीन जाइलम पैरेन्काइमा, समझ में आ गया। अब सेकंड बात समझिए, दैट इज फ्लोएम फाइबर क्या करेगा, फ्लोएम फाइबर इनका काम है, दीज आर गिविंग मैकेनिकल सपोर्ट एंड दीज आर मेड ऑफ, ये फाइबर्स होते हैं और डेड सेल होते हैं, दीज आर फाइब्रस स्ट्रक्चर, दीज आर फाइब्रस स्ट्रक्चर एंड गिव, और क्या काम करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट। अब पैरेन्काइमा का हम देख के बताते हैं, पैरेन्काइमा का बुक में लिखा नहीं रहता है, तो कुछ भी उस बात को वो हमने बता दिया ना, आपको याद रहेगा। सो बात देखिए, इट स्टोर्स फूड एंड सिलिंड्रिकल इन शेप, इट इज लाइफ सेल सिलिंड्रिकल इन शेप, सिलिंड्रिकल इन शेप, इतनी बात, एंड स्टोर्स फूड। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड, देखो जाइलम का हमने लिखा दिया था कि कैसे होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, इसका भी एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का कि हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम इन प्लांट्स थ्रू फ्लोएम, फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम इन प्लांट्स। अब जरा देखो कि व्हेन ग्लूकोज, ग्लूकोज कहां सिंथेसाइज होगा, इज सिंथेसाइज्ड इन लीव्स, देन द नियर बाई फ्लोएम रिसीव्स इट, वो तो उसमें ही जाएगा ना,
ये जो फ्लोएम और जाइलम हमने नहीं दिखाया था मिडरिप तक जाते हैं, एक वीडियो पिछली बार दिखाया था मिडरिप में भी है, तो वहां अगर जब खाना बनेगा इन लीव्स देन इट एंटर्स, तब ये क्या होगा बोलो, इट एंटर्स इन सीव ट्यूब, सीव ट्यूब। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, ड्यू टू ऑस्मोसिस या ये कहो डिफरेंशियल प्रेशर, अंदर ज्यादा है बाहर पानी ज्यादा है और अंदर तो पानी ज्यादा नहीं है ना, तो बाहर पानी ज्यादा होने से ऑस्मोसिस की वजह से अंदर नहीं आ जाएगा, तो क्या लिखे बताइए, ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होगा, वॉटर एंटर्स इनटू सीव ट्यूब, सीव ट्यूब में एंटर करा। अब आगे चंदन इसको जरा पूरा करवाओ, अब क्या होगा बोलो, वाटर एंटर द सीव ट्यूब एंड अप्लाई द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ सीव ट्यूब। अब थोड़ा सा एक लाइन अगली लाइन बोलो सिर्फ, अब मान लो वाटर इसमें एंटर कर गया, इसके अंदर ये ग्लूकोज के पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए बाहर तो नहीं है ग्लूकोज के पार्टिकल्स, इसके अंदर ये ग्लूकोज के पार्टिकल्स हैं, तो जैसे किशमिश हो और उसमें पानी भर जाए, अब क्या लिखे अगली लाइन बोलो, एंड टुवर्ड्स द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड उत्कर्ष, अगली लाइन बोलो सर, द वाटर विल नोइल दिव्या, मतलब पानी भरा तो क्या होगा, सी ट्यूब स्वेल्स, क्या होगा सीव ट्यूब, सीव ट्यूब स्वेल्स अप एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन साइड वाइज सेल्स, जो उसकी एडजेसेंट सेल्स हैं क्या उनमें वो प्रेशर नहीं डालेगी, इन टर्न दो सेल्स ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन सीव ट्यूब, इस जब ये फूल गई, अब फूलने पे क्या होगा बोलो, ये वाटर एंटर किया तो ये क्या हो गई बोलो, ये अब ये एग्जर्ट करेगी, सो ये प्रेशर एग्जर्ट करेगी, तो क्या वे सेल्स भी इसके इस पर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ये उन पर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है और वो भी इस पर क्या कर रही है, प्रेशर एग्जर्ट कर रही, तो क्या होगा बोलो, नाउ ड्यू टू दिस प्रेशर द एक्सेस ग्लूकोज प्रेजेंट इन इट मूव्स from out from both the sieve plates and this is how the food is transported in plants through phloem. Chalo. So sieve tube swells up and exerts pressure. Is pe pressure exert karegi on adjacent theek hai cells एडजेसेंट सेल पे करेंगी, दो सेल्स इन टर्न एग्जर्ट प्रेशर ऑन सीव ट्यूब, दो सेल्स क्योंकि इतनी जगह तो है नहीं, ये प्लांट कभी फूला हुआ दिखेगा क्या, दो सेल्स इन टर्न एग्जर्ट्स प्रेशर, एग्जर्ट्स इन टर्न मतलब उसके बदले में, इन टर्न का क्या मतलब होता है, जब वो उस पर प्रेशर करेगी तो फिर इन टर्न एग्जर्ट प्रेशर ऑन सीव ट्यूब एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन मूव्स आउट फ्रॉम द सीव प्लेट फ्रॉम बोथ एंड्स, नहीं बोथ बोथ डायरेक्शन ना, हाँ सही है, एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन solution moves out from both the ends through sieve plate. तो जब इसमें क्या हुआ कि ये अब ये भर गया, लाल लाल ग्लूकोज है, और जैसे ही इसमें पानी भी भर गया क्या हुआ, ग्लूकोज के साथ नीला नीला पानी, तो फिर ये सब मिलके बाहर निकलने लगे क्या, दूसरी तरफ जाने लग जाएंगे, सो इन दिस वे द मूवमेंट ऑफ फूड टेक्स प्लेस, ऐसे होने लगा, ठीक है, नाउ लेट अस
दिस इज ए केमिकल प्रोसेस. और चंदन अगला सेंटेंस क्या है? एंड रिक्वायर्ड, ये पहले बोल दिया नहीं देते. दिस इज केमिकल प्रोसेस एंड रिक्वायर्स एटीपी. और इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है. अब हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में 10 डिफरेंस लिखेंगे जो कि आपसे लिखवाएंगे. तो दोनों समझ में तो आ गया ना आपको जाइलम फ्लोएम. अब डिफरेंस देखो, इसी पर बेस्ड है, यही चीज उसमें ट्रांसफर हो रहा है. इनमें अंतर क्या है? ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आने वाला है एग्जाम में पूछा जाएगा. चल कहां तक लिख लिया है? ठीक है, conducts water and minerals. Water and minerals. Minerals यानी आयंस को conduct करता है. It conducts food materials. It conduct food. ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ प्लांट में ग्लूकोज ही बनता हो, प्रोटीन भी बनता है, दालें भी तो बनती हैं. तो सब कुछ बनता है, प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा, जो भी बनेगा. फूड मटेरियल लिखा जा रहा है तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों से आपको समझना चाहिए. ठीक है कि नहीं? तो इट कंडक्ट्स फूड मटेरियल. कंडक्शन इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल यानी फ्रॉम रूट्स टू साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. और दैट इज फ्रॉम रूट्स टू ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट. ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, क्योंकि वही खाना बनेगा. एंड कंडक्शन इज बाई डायरेक्शन. कंडक्शन इज बाई डायरेक्शनल. ये सब ग्रेविटी के सापेक्ष दिया गया है. बाई डायरेक्शनल फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स टू ऑल सेल्स ऑफ प्लांट्स. फ्रॉम सभी सेल को चाहिए ना खाना ग्लूकोज. तो फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स
टू ऑल सेल्स, क्योंकि सभी सेल को ऊपर नीचे हर तरफ, ऊपर भी लकड़ी होगी, तो ऑल सेल्स ऑफ प्लांट। तीसरी चीज देखो कि इट्स कंपोनेंट्स, ये जो हैं, दीज आर वेसल्स, वेसल्स हैं, ट्रैकीट्स, ठीक है, वेसल्स हैं, ट्रैकीट्स हैं, फाइबर आर डेड, वे क्या है, वाइल इट्स कंपोनेंट्स वेसल्स आर डेड, वाइल पेरेंटाइमा क्या है, इज लाइव, और जबकि उसमें क्या है, इट्स कंपोनेंट सीव ट्यूब, सीव प्लेट, कंपेनियन सेल, पेरेंटाइमा, ये सब क्या है, आर लाइव एंड फाइबर इज डेड। अच्छा, नाउ इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, इट सभी डेड हैं तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे देती है सब स्लाइड एंड पैनल, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट, इट डज नॉट प्रोवाइड, इट डज नॉट प्रोवाइड, करेगा बट वो उतना नहीं है, बाहरी हिस्सा टूट जाएगा, अंदर से नहीं टूटता है, आप देख लो किसी भी टहनी को तोड़ सकते हैं, तो अंदर वाला हिस्सा बड़ी मुश्किल से टूटेगा, ऐसे ऐसे हिलाना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत लाइव चीजें नहीं दे पाती इस टाइम, जो मर गई हैं वही दे पाते हैं, मरा हुआ कंकाल है किसी को पटक पटक के कंकाल से मारो, कंकाल को भी मजा आएगा, जिसको मारोगे उसको भी, अब जिंदा आदमी से मारो, so it does not provide mechanical, ऐसा लिखा है, सपोर्ट टू प्लांट। अब देखो, ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर इज ए फिजिकल प्रोसेस एंड इट डज नॉट रिक्वायर, ठीक है, जो ट्रांसपीरेशन है ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इट डज, और वहां है ट्रांसलोकेशन, ये जो खाने का मूवमेंट हमने लिखाया नहीं है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, या लिखो इसमें क्या है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस बुक में लिखा है, हम भूल गए, इस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन इज ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन विच इज फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस एंड नीड नो एटीपी, इसे कुछ एनर्जी नहीं चाहिए, जबकि यहां क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ऑफ कंडक्शन इज ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन विच इज केमिकल प्रोसेस, एंड नीड एटीपी, due to vacuum pump,
in this movement of food takes place due to osmosis. These are present in outer part of stem. Xylem कहाँ पाया जाता है? Inner में ना? These are found in inner part of vascular bundle. और वे कहाँ पाई जाएंगी? Outer part of vascular bundle. These are found in inner part of vascular bundle. These are found in outer part of vascular bundle. इसमें लिग्निन की बनी है, तुमको मालूम है ये डेड है, और वो उसमें सेल वॉल सेल्यूलोज की। सो सेल वॉल लिग्निन किसके लिए होता है? स्केलेटन टाइम के लिए ना। सो सेल वॉल इज मेड ऑफ लिग्निन, लिग्निफाइड है, और वो कैसी बताओ? सेल वॉल इज मेड ऑफ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ है, सात पॉइंट लिखाओ, एक भूल सकते हो। सारे नहीं भूल सकते, एक भूल सकते, सारे भूल जाओगे तो मेरा काम बिगड़ जाएगा।